बीते 17 सितंबर को प्रदेश भर में देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी की जयंती पूरे धूमधाम से मनाई गई। औद्योगिक नगरी और ऊर्जा धानी कोरबा में भी विश्वकर्मा जयंती को लेकर सभी जगह हर्षोल्लास और धूम देखी गई। बात करें बालको इलाके की तो यहां भी अलग अलग जगहों पर भगवान देव शिल्पी की आराधना की गई। इस अवसर पर कई जगहों पर रंगारंग आयोजन भी हुए। इसी कड़ी में कृष्णा कंपनी की तरफ से भी विश्वकर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्री शिल्पी की पूजा अर्चना कंपनी के समस्त ठेकेदारों और कर्मचारियों ने मिलकर की। उन्होंने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की थी। पूरे दिन की पूजा अर्चना के बाद विधिवत तरीके से दूसरे दिन श्री विश्वकर्मा जी का विसर्जन किया गया। आज विश्वकर्मा बाबा का दूसरा वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। ये अति कुशल की बात है, शोभनीय बात है कि हम भव्य समारोह के साथ हम विश्वकर्मा बाबा का आज पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा पूजा के संपर्क सभी लोग यहाँ पधारे हुए हैं और सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और हम विश्वकर्मा बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कंपनी दिन दुना और रात चौगुना हो, इसका प्रयत्न सभी हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और यही हम मनोकामना करते हैं कि विश्वकर्मा बाबा हम सभी का मनोकामना पूर्ण करें और सभी लोग घर से बच्चों से संपन्न हों और पूर्ण प्राप्त करें, यहाँ पे आके अनुग्रह हो पूजा कर करके। तो ये सब हम लोग अभी थोड़ी देर में प्रसाद वितरण करेंगे। आज जैसे कि आपको पता है 17 सितंबर है, 17 सितंबर को हमेशा की तरह विश्वकर्मा पूजा का आयोजन हमारे द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भी हमारे द्वारा श्री कृष्णा इंजीनियरिंग की वर्कशॉप जो कि भद्रापरा गायत्री मंदिर के सामने स्थित है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। काफ़ी जन यहाँ आए हुए हैं और मैं विश्वकर्मा भगवान से सबके लिए यही दुआ मांगूंगा कि विश्वकर्मा भगवान सबको आशीर्वाद दे और सभी को उसके कार्य के लिए प्रेरित करें और सबको समृद्धि दे, सबको शक्ति दे, सबको शांति प्रदान।